मुझे टेबल्स कुछ कम लग रही हैं, एक दो और ऐड करवा दें। और मुझे लाइट जो है वो वन कलर में चाहिए, येलो या वाइट में, सही। और चेयर्स के दरमियान गैप ज़्यादा है, कम करवा दें। ओके, डोंट वरी मैम, मैं देख लूँगी। ठीक है। और मुझे फ्लावर्स भी कम लग रहे हैं, मैंने आपसे एक दो और भी वाइट फ्लावर्स कहते हैं। यस, उनका ऑर्डर दिया हुआ है, बस आ रहे हैं वो। सही है, थैंक यू। कैसी लगी ये डेकोरेशन? अच्छा है, अच्छा लग रहा है सब। तुम खुश नहीं हो क्या? खुश हूँ, खुश हूँ मैं। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, अगर चाहो तो इनकार कर सकते हो। तुम शादी के बाद मुझसे झगड़ा तो नहीं करोगे? तो मुझे धोखा नहीं दोगे तो नहीं लड़ूंगी। तुम्हारा भाई नहीं आ रहा मेरे संग? उसे मेरी दूसरी शादी से बहुत तकलीफ है। क्यों? उसे लगता है कि मेरी जायदाद में अब तुम हिस्सेदार होगे। अच्छा, तो ये बात है। मुझे सैलून जाना है, बाद में मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय। काशिफ अगर इतना ही अच्छा होता ना बेटा, तो तुम्हें छोड़ के जाता क्यों? वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो हमारी मजबूरी है, हमें ही झुकना है तुम्हारे लिए, हमजा के लिए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ताहिरा मैडम काशिफ से पहले प्यार से बात करके देखेंगी। मामा जी। बेटा, मेरे पापा का नाम काशिफ है क्या? जी बेटा, आपके पापा का नाम काशिफ है। तो वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते? हमारा झगड़ा हो गया था बेटा, दोबारा से साथ रहेंगे। अच्छा, मुझे उनसे मिलना है। मिलेंगे बेटा, जल्द मिलेंगे। पता नहीं काशिफ को हमजा का पता भी है या नहीं। पता चल जाएगा जल्द उसे। मैं कल हमजा के स्कूल का पता करने जाऊंगी। हाँ भाई, हमजा मियां बहुत अय्याशी हो गई, अब स्कूल जाने की तैयारी पकड़े आप। मेरा बेटा स्कूल जाएगा ना? जी, मैं जाऊंगा। अय्यूब जी, कहाँ जा रहे हो? अम्मी, वो मेरा दोस्त है ना, फरहान कैटरिंग वाला, उसकी तरफ जा रहा हूँ। वो तो तारिक रोड पे रहता है ना, इतनी दूर बाइक में जाओगे? अम्मी, अब मेरी टांग बिल्कुल ठीक है, मैं चला जाऊँगा। फिर भी बेटा, बाइक ध्यान से चलाना। कब तक वापस आओगे तुम? उसे एक शादी का ऑर्डर मिला, वहीं पर बुलाया उसने। घर बैठे बैठे बोर हो गया हूँ, सोचा थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी। 12 बजे तक आ जाऊँ। तो फिर खाना खाकर आओगे? हाँ, खाने के लिए तो बुलाया। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रख। अय्यूब, तुम फरहान की तरफ ही जा रहे हो ना? जी अम्मी, वहीं जा रहा हूँ। और आप मेरी फिक्र ना किया करें, जल्दी आ जाऊंगा। खुदा हाफिज़। पता नहीं इसने मुझसे कब जान छुटी। बहुत खूबसूरत लग रही है। हम वहाँ से कब तक फारिग हो जाएंगे? तुम इतना कतराती क्यों नदीम और शिबा? मैं जब शिबा और नदीम को देखती हूँ तो मुझे अपनी बहन की याद आती है। कभी शिबा की जगह मेरी बहन हुआ करती थी। बस इतनी सी बात। हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, जल्दी वापस आ जाओ। वह इसलिए उन लोगों से ज्यादा बात भी नहीं करती। तो हम भी नहीं करेंगे। भाभी जल्दी आ जाएं, देर हो रही है। चलें? चल आ भाई, कैसा लगा मेरा सेटअप? एंजॉय कर रहे हो? बहुत अच्छा है। मैं सोच रहा हूँ अपनी शादी पर ऐसा ही सेटअप करवाऊँ। हाँ, तो शादी करेगा किससे? निम्मो से और किससे। बचपन से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे हम लोग। उस कमीने काशिफ ने छीन लिया मुझसे। तू निम्मो को छोड़ के इस्लामाबाद चला गया था, भूल गया? तेरे जाने के बाद शादी की है उसने। नहीं, मेरे माँ बाप ज़बरदस्ती ले गए थे मुझे। मैं भागा है वहाँ से, मैंने भी शादी नहीं की। हाँ, लेकिन तब तक वो देर हो चुकी थी। खैर, अब देर नहीं होने दूंगा। चलो, किसी ना किसी से तो शादी हो ही जाएगी, लेकिन कैटरिंग के लिए भाई को याद रखना। ये यहाँ क्या कर रहे? कौन है वो? निम्मो के मामू। ये निकाह किसका? ये तो मेरे मामा की जानने वाली है शिबा, उनका निकाह। आप सब लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। अरे भाई, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? ये शादी हमने ही तो करवाई है। हाँ, बिल्कुल। जानती हूँ, इसलिए तो शुक्रिया अदा कर रही हूँ नशीद भाई। अगर आप और फौजिया ना होते तो आज मुझे नदीम और मिनाल नहीं मिलते। शादी की बात मैंने ही शुरू की थी सेवा, इसलिए तो तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम का हमारे सिवा है ही कौन। इसने फोन किया और हम चले आए। और निम्मो नहीं आई आपके साथ? आते होंगे वो लोग भी।